जनपद पंचायत कसरौद द्वारा एमिल को उज्जैन के माध्यम से भारत सरकार की योजना एडिप के अंतर्गत कृषि उपज मंडी कसरौद में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। दिव्यांगजनों को मंडी कसरौद में फूल माला पहना कर स्वागत कर सहायक उपकरण जिसमें मोटराइज्ड ट्राइसिकल, ट्राइसिकल, व्हीलचेयर, क्रच, रोलेटर, कैलिपर, हियरिंग एड आदि उपकरण प्रदान किए गए। उपकरण पाकर दिव्यांगजनों के चेहरे खुशी से खिल उठे थे। उपकरण प्रदान करने के उपरांत दिव्यांगजनों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक आत्माराम पटेल ने दिव्यांगजनों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। कसरौद से अखिल खान की रिपोर्ट। ये आज आपको साइकिल भी मिली है और हार फूल माला पहना करके आपका स्वागत भी करा है। कैसा लग रहा है और ये साइकिल मिलने से आपको क्या क्या फायदा हो जाएगा? बहुत फायदा हो गया है। मैं पहले लागिर था, बच्चों की यानी कि खुशामद करता था, मोटरसाइकिल से मेरे को छोड़ने आते थे। आज मेरे को ये गाड़ी मिलने से बहुत फायदा हुआ। तो शासन की तरफ से जो आपको ये सुविधा मिली है, बहुत बढ़िया मिली, बहुत अच्छी मिली। इसको धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, सबको सभी को धन्यवाद। ये आज दिव्यांगों के बीच में मौजूद है और उनके चेहरे पे भी बड़ी खुशी दिखाई दे रही है, क्या है इसमें? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका संकल्प है अंत्योदय की सेवा करना, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं जाती, उसके ऊपर शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी की नजर जाती है। और उनके कल्याण के लिए दिव्यांगजनों का शिविर लगा करके और अनेक तरह की कंपनियों, अनेक माध्यमों से, जैसे लिम्का के द्वारा ये जो एलिम्को के द्वारा जो है ये यहाँ पर जो है ट्राइसिकल, साइकिलें और अन्य उपकरण जनता को दिए गए हैं, जो दिव्यांग है उनको दिए गए। मैं इस अवसर पर सभी दिव्यांगजनों को जो है ये जो उपकरण मिले इसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ईश्वर इन्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोगी रखे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।